कोरोना संकट के बीच 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन पहली बार मैक्लोडगंज में बिना किसी भव्य समारोह के मनाया गया। दलाई लामा आज 85 वर्ष के हो गए। धर्मगुरु दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर देश विदेश की जानी मानी लगभग 130 हस्तियों ने जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। जनवरी में कोरोना वायरस फैलने के बाद से दलाई लामा किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिले, ना ही विदेश दौरा किया। 3 माह तक उन्होंने कोई भी ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग नहीं दी। अब वे अपने निवास स्थान से ही दुनिया भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संदेश दे रहे हैं। भारत और दुनिया भर में रहने वाले धर्मगुरु के अनुयायी अपने घरों पर ही पूजा पाठ करके धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म दिवस मना रहे हैं। धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्यालय में भी जन्मदिन साधारण तरीके से मनाया गया। इससे पहले दलाई लामा के जन्मदिन पर मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर और दुनिया भर में 6 जुलाई को भव्य कार्यक्रम होते थे। इन दिनों अपनी टीचिंग में दलाई लामा ये भी कह चुके हैं कि वे कम से कम 112 वर्ष तक जीवित रहेंगे। तिब्बत में दलाई लामा पदवी सर्वोच्च गुरु और राजनेता की है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चुनाव वंश परंपरा या बोर्ड से नहीं बल्कि पुनर्जन्म के आधार पर तय होता है। कुछ मामलों में धर्मगुरु अपने अवतार संबंधी कुछ संकेत छोड़ जाते हैं। धर्मगुरु की मौत के बाद इन संकेतों की मदद से ऐसे बच्चे की सूची बनाई जाती है जो धर्मगुरु के अवतार जैसे हों। इसमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बच्चे धर्मगुरु की मौत के 9 महीने बाद जन्मे हों। 1933 में 13वें दलाई लामा की मौत हुई थी। इसके बाद तेजिन ग्यात्सो के रूप में तिब्बत के आमदो प्रांत में 2 साल की उम्र में 14वें दलाई लामा की खोज हुई। दलाई लामा किसान के बेटे हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि मैं 85 साल का हूँ, 14 या 15 साल की उम्र में अपनी आजादी खो दी। जब मैं 24 साल का था तब अपना देश खो दिया था। And we invited, you know, dignitaries from around the world. So we have, you know, actually 130 or so people from around the world wishing His Holiness happy birthday. But we compiled 85 great personalities, including President George Bush, Nancy Pelosi, Ram Madhav Ji, you know, Nirupama Rao, Kiran Rijuji, and the U.S. Ambassador to India, and others have, you know, extended their greetings. So in our own way, we celebrate in a big way, and all the high lamas of the Tibetan traditions have also greeted His Holiness and wished that he lived very long. So our celebration went very well. What is your message to China on this day, sir? Yes, Wuhan original pandemic will not stop us. We will keep marching forward for the Tibetan movement, for the Tibetan cause, and we will keep raising the issue of Tibet and our flag everywhere. Any message for India? India has been the greatest supporter of Tibet, and our heart goes out to all the Jawans at the border, and we wish them safe. And we also wish India a very secure border and secure and strong India. Thank you.